अगर हमें वाइल्ड एनिमल्स के साथ दोस्ती करनी है तो हमें ब्रेव होना पड़ेगा और खतरा उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं जब भी इसे देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू आते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट साउथ अफ्रीका का लिम्पोपो डेल्टा। साउथ अफ्रीका में हिप्पो एक ऐसा जानवर है जिसने अब तक सबसे ज्यादा इंसानों को अपना शिकार बनाया है। ऐसे में इन्हें अपना पेट रखने की तो कोई सोच भी नहीं सकता, पर ऐसा है नहीं। हेलो माय डार्लिंग। हेलो। ये दुनिया का इकलौता हाउस ट्रेन्ड हिप्पो है। आओ तुमको कैरेट खिलाती हूँ, मुंह खोलो। बहुत भूख लगी है। हाँ बहुत भूख लगी है। ओ यमी यमी। गुड गर्ल। ये है जेसिका, 13 साल और 1.5 टन के वजन वाली हिप्पो। इसे अपने बहुत ही खास दोस्तों टोनी और शर्ली जुबा के हाथों से खाना पसंद है। एक्चुअली ये इस फैमिली का ही हिस्सा है। मेरे लिए ये हिप्पो नहीं है, ये मेरी बेबी गर्ल है। एक वाइल्ड एनिमल होने के बावजूद जेसिका अपनी मर्जी से यहाँ आ जा सकती है, पर इस पेटू हिप्पो को घर के अंदर की चीजें ज्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ आप किसी वाइल्ड एनिमल से इंटरेक्ट कर सकते हैं जो फ्री हो, जो वाइल्ड एनिमल्स की तरह ही रहता हो पर फिर भी इंसानों के पास लौट के आए। टोनी एक गेम कीपर थे और उस समय बैचलर थे जब उन्हें बेबी जेसिका मार्च 2000 में आए भयानक फ्लड के बाद मिली। वो पानी में बहकर हमारे घर के सामने आ गई। तब उसका वेट 16 किलोग्राम्स था। जब वो मुझे मिली तो बस 3 से 6 घंटे पहले पैदा हुई होगी। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बस लेट कर आवाजें निकाल रही थी। जेसिका बहुत ही यूनिक हिप्पो है। इसकी लाइफ बाकी हिप्पोस से बिल्कुल अलग है। फिलहाल ये बिग बेबी अपनी अर्ली मॉर्निंग रुइबॉस टी की बोतल का वेट कर रही है। अगर ये चाय लूकवार्म नहीं है और ठीक से मीठी नहीं है तो वो उसे पिएगी नहीं। इसके कम नखरे नहीं है। हेलो माय डार्लिंग, माय लवली गर्ल, ये तुम्हारे लिए है डैडी। हेल्प मी प्लीज। हाँ ठीक है, बस हो गया। चाय का टाइम हो गया मेरी प्यारी बेबी। टोनी बहुत स्वीट है पर जेसिका के बिना मैं यहाँ नहीं होती, एंड दैट्स जस्ट अ ट्रू फैक्ट। अपनी चाय खत्म करने के बाद जेसिका अब खूब सारी हवा इनहेल करेगी। आप उसको डकार लेते हुए सुन पाएंगे। ये मैं उसका बैक मसाज कर रही हूँ अपने पैरों से। यह आपके पैरों के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे आपकी सारी रफ स्किन निकल जाती है, बिल्कुल पेडिक्योर की तरह। या पेडिक्योर कहना ज्यादा ठीक रहेगा। अब ये बहुत रिलैक्स्ड और काम हो गई है। ओह क्या जोरदार डकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि जेसिका को बहुत प्यार मिलता है, पर इसकी वजह से घर में बहुत टूट फूट भी होती है। हिप्पो के साथ रहने की वजह से हमें बार बार फर्नीचर बदलना पड़ता है। हिप्पोपोटामस के साथ रहने का डिसएडवांटेज। वो अब तक 5 डबल बेड, 4 लाउंज सुइट्स और 2 शावर डोर्स तोड़ चुकी हैं। खैर अब वो बड़ी हो गई है और अब वो ऐसा कुछ नहीं करती। वो अपनी बड़ी सी बॉडी लेकर अंदर आती है, हम उसे खाना खिलाते हैं और वो बाहर चली जाती है बिना किसी चीज को छुए। और इसकी ह्यूज कमाल की बॉडी का राज है इसका करेक्ट एटीट्यूड। वो खाना देखते ही उसे खा लेती है, कभी मना नहीं करती। इस वक्त जेसिका की रोज की डाइट 80 किलोस है। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि एलिफेंट्स कितने इंटेलिजेंट होते हैं, पर मैं एक चीज जानता हूँ कि हिप्पोस एलिफेंट से भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जब लोग जेसिका के बारे में सुनते हैं तो वो हमसे कहते हैं यो क्रेजी, आप नॉर्मल नहीं हैं। पर अगर आप कभी किसी हिप्पो के साथ नहीं रहे हैं तो आप एक हिप्पो को समझ नहीं सकते। इसका दिल बहुत बड़ा है और अगर आप जेसिका की आंखों में देखें तो आपको बस कामनेस दिखेगी। हाँ ये मेरी जिंदगी में बहुत स्पेशल है। मुझे नहीं पता था कि हिप्पोस ऐसे भी हो सकते हैं। मलांग इंडोनेशिया के आउटस्कर्ट्स में 31 ईयर ओल्ड अब्दुल्ला शोले
अपने एक बहुत ही खतरनाक दोस्त के साथ रहता है। वो एक किंग साइज्ड डोमेस्टिक कैट के लिए खिलौना बना हुआ है, जो असल में दुनिया की सबसे बड़ी कैट है। ये है मूलान। ये 4 साल की फुल्ली ग्रोन बंगाल टाइगर है और अब्दुल्ला ही इसके लिए सब कुछ है। मूलान सिर्फ 3 महीने की थी जब से वो इसका ध्यान रख रहा है। इन 4 सालों में मूलान अब्दुल्ला के लिए किसी ऑब्सेशन से कम नहीं है। वो शायद ही कभी एक दूसरे से अलग होते हैं और भाई बहन की तरह नोक झोंक करते रहते हैं। जब वो मुझे काटती है या स्क्रैच करती है, उसके इंटेंशन मुझे नुकसान पहुंचाने के नहीं होते। वो बस मेरे साथ एंजॉय करना चाहती है, मेरे साथ खेलना चाहती है। उसे लगता है कि मैं भी उसकी तरह एक टाइगर हूँ। खुद को सेफ रखने के लिए अब्दुल्ला के पास सिर्फ एक ही तरीका है, मूलान का पेट हमेशा भरा रखना। जब वो छोटी थी तो वो वही खाती थी जो मैं खाता था, और अब वो बहुत सिलेक्टिव हो गई है। और अब वो ढेर सारा खाना खाती है, लेकिन नूडल्स, वो भी मीट खाने वाले एनिमल के लिए। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि टाइगर्स को पास्ता पसंद आएगा। अगर आपकी मुलाकात कभी किसी टाइगर से हो जाए तो अब्दुल्ला का फेवरेट जंपिंग गेम कभी ट्राई मत कीजिएगा। जंगलों में टाइगर्स हमेशा अपने शिकार के इंतजार में रहते हैं और उसे देखते ही झपट्टा मार देते हैं। और क्योंकि टाइगर्स का वजन लगभग 110 से 230 किलो के बीच होता है, वो किसी भी चीज पर अपनी ताकत से काबू पा सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला के साथ खेलते हुए मूलान को मस्ती करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कैट के साथ रेसलिंग करना, जिसके रेजर शार्प क्लॉज हों, काफी खतरनाक हो सकता है। आज मूलान ने मेरी आंख पर अटैक किया, जिससे एक बड़ा स्क्रैच हो गया है। गॉड मेरे साथ है, वो मुझे मूलान से बचा कर रखेगा। ये कोई जानबूझकर किया गया हमला नहीं था, नेचुरल था। टाइगर्स अपनी टांगें फैलाते हैं तो उनके 10 सेंटीमीटर लंबे नाखून ऑटोमेटिकली स्विच ब्लेड्स की तरह बाहर निकल आते हैं, जिससे बहुत चोट लग सकती है। वो एक वाइल्ड एनिमल है, उसमें जानवरों की क्वालिटीज हैं जो नेचुरली बाहर आ जाती है। वो शायद मुझे अपनी मदर समझती है, वो मेरे बिना रह नहीं सकती। हमारा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है।